घर से लेकर घाट तक, गली से लेकर हाट तक, हर जगह दिख रही है छठ पर्व की धूम। मूल रूप से बिहार में मनाए जाने वाले इस त्योहार ने अब पूर्वांचल वासियों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चार दिन तक चलने वाला महापर्व छठ जीवन चक्र में अनुशासन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के साथ साथ प्रकृति चक्र के शाश्वतता का बोध कराता है। छठी मैया के लिए गुड़, चावल और दूध के पकवान तैयार करना, आटे का ठेकुआ बनाना, खरना व्रत रखना, उगते हुए डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, हर कार्यों में अनुशासन और समर्पण के साथ साथ प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव दिखाई देता है। और शायद इन्हीं महानता के कारण ये पर्व देश के अन्य स्थानों पर भी लोकप्रिय होता जा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक इस पर्व का इतना प्रभाव मिर्जापुर में नहीं दिखाई देता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है कि मिर्जापुर भी इस पर्व की महत्ता से दूर नहीं रह सका है। और साल दर साल मिर्जापुर में इस पर्व की महत्ता और प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। इस महापर्व के प्रति मिर्जापुर में बसे बिहार और बिहार से लगे पूर्वांचल के कुछ जिलों के लोगों के साथ साथ स्थानीय मिर्जापुर के लोगों का भी उत्साह देखा जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के तुरंत बाद पड़ने वाले महापर्व छठ ने भी कम से कम मिर्जापुर में दीपावली की कोरोना वायरस को ठेंगा दिखाने का कार्य किया है। आज की त्योहार का क्या महत्व है? आज के त्यौहार का ये महत्व है कि ये हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार जो है पुत्र की जीवन की कामना के लिए किया जाता है। और ये डाला छठ का व्रत जो है पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग बड़े तन मन धन से मनाते हैं। इसका महत्व बताइए मैम। इसका महत्व यही है कि लोग पवित्रता से इसकी पूजा करते हैं और प्रसाद बनाते हैं और यही सब करते हैं। मैम बताएं, आज आप लोग घाट पर आई हैं, किस चीज़ का पूजा है, इसका क्या महत्व है? ये डाला छठ की पूजा कही जाती है और इसमें हिंदुओं का ये बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। साल में एक बार आता है और ये लगभग पूर्वांचल और बिहार के लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के हृदय में इससे इतनी बड़ी आस्था जुड़ी है कि ये बेटे के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें माताएं, बहनें और जिसकी आस्था जुड़ी होती है साथ में, तो वो अपनी साक्षिक मन से मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक व्रत लेती हैं। और उस व्रत को पूर्ण करने के लिए संध्या की पूजा जो होती है, वो जब सूर्य अस्त होता है उस समय माताएं बहनें अर्घ देती हैं अपने पुत्र और पति और घर के सभी जो उनके फैमिली के मेंबर होते हैं पूरे समूह के साथ आकर आस्था से वो पूजा करती हैं। और इस पूजा का महत्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे बिहार और पूर्वांचल में मनाया जाता है। और इसमें माताएं बहनें पानी और अन्न नहीं धारण करती हैं, और अन्न धारण करती हैं जब सुबह का सूर्य उदय की वो घाट पर आकर पूजा करती हैं छठ मैया की और साथ में गंगा मैया की। और उस पूजा को सुबह की जो अगले दिन की पूजा, वो सुबह सूर्य जब उगता है उस समय सूर्य का ध्यान करके और गंगा में पैर को अपने आधे अंग को पूरे गंगा मैया के लिए धारण करके अपने को निर्धारित करके एक स्थान पे खड़ी हो जाती हैं। और मेरा नाम तुलिका श्रीवास्तव है, निवासी मिर्जापुर।